Okay then. तो एक बुरी खबर मुझे पता है कि गुलाब जामुन बेक नहीं हुए, बट बाकी आप दे दीजिए। वो तो मेन खबर है कि वो बेक नहीं हुए हैं। I don't know either. I mean, गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन होते हैं ना। Why mess with a good thing? आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? अब बेकिंग वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, डीप फ्राई तो करे हैं मैंने, लेकिन जो अच्छी बात की है, नंबर वन शुगर सिरप को रिप्लेस किया है बहुत अच्छी तरह, नंबर टू द वॉलनट्स, द क्रंचीनेस, एक्चुअली आई जस्ट लव इट एंड टेस्ट डज रोल, बट हेल्थ इज ऑल्सो देयर, सो वी विल जस्ट डू अ स्लो पाथ। तो अब आप नेक्स्ट क्या खिला रहे हैं? छोले भटूरे। यू डू रियलाइज कि आपको 30% हेल्दियर बनाना है। अच्छा, वो मतलब वापस 30% हेल्दियर बनाना है? ऑफ कोर्स। तो छोले तो चने के होते हैं, हेल्दी होते हैं, भटूरे आपको रियली हेल्दी करने पड़ेंगे इस डिश में। हाँ, मतलब इसका टफ स्पॉट भटूरे ही है। गुलाब जामुन देखने के बाद मुझे टेंशन हो गई। तो आप सोचना शुरू कीजिए। बाय। शुरुआत तो अच्छी हुई, अब बारी बदनाम रेसिपी नंबर टू की, छोले भटूरे। रास्ते का ठेला हो या एक रेस्टोरेंट, भटूरे तभी टेस्टी लगते हैं जब वो मैदे से बने और डीप फ्राइड हो, और बिना इसके इसे टेस्टी बनाना मुश्किल होगा। इनको पता नहीं है कि हम नॉर्थ इंडिया में जब भी भटूरे बनाते हैं छोले के साथ, हमारी शान होती है ये, और 30% हेल्दी बनाना है तो मेरा मजाक बना रहे हैं, इसलिए कोई नहीं, छोले भटूरे हैं, ऐसे बनाऊंगा 30% हेल्दियर, उंगलियां ना चाट जाए, मेरा नाम बदल देना। तो छोले तो आप देख रहे हैं, खुशबू पहुंच चुकी है शर्मा जी के यहाँ, सिर्फ भटूरे बनाने बाकी हैं, हेल्दी वही बनेंगे, छोले तो हेल्दी है ही। सारांश भटूरे में इस्तेमाल कर रहे हैं मैदा, 30% हेल्दी बनाने का चैलेंज शायद ये भूल चुके हैं। ओए भटूरे, 2 चम्मच मैदा डाल रहा हूँ, आगे देखेंगे असली रेसिपी में कितना मैदा जाता है। ये लीजिए, ये तो हो गया मिक्स, अब इसको क्लीन रैप लगा देते हैं। तो अपने किचन के एक अच्छे से कोने में, जो ज्यादा गर्म ना हो, इसको छोड़ दी। तो मैंने जो रात भर वाला बना के रखा था वो ये वाला है, देखिए इसमें कैसे बबल्स 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 बन जाते हैं। अब गूंदेंगे भटूरे का आटा और बनाएंगे इसको हेल्दियर। अब इसमें डाल दूंगा 1/2 कप दही और 1/2 कप का स्टार्टर था और 1/2 हम अब डाल दें सूजी। अब इसको गूंदना चालू करते हैं। तो क्या है, अब वो डो जो है थोड़ा बहुत फूल जाएगा। अगर आपको ज्यादा टाइम है तो आप 2 घंटे रखिए, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैंने 1/2 घंटा रखा है, 2 घंटे में बिल्कुल फ्लफी हो जाता है। अब बनाने हैं हमें भटूरे। लगता है आज शेफ को पास होने का कोई मूड नहीं है, डीप फ्राइड फूड्स की चैलेंज में एक और बार शेफ डीप फ्राइंग का ही सहारा ले रहे हैं। ओए भटूरे, ये नहीं देखेंगे कौन सा तेल डाल रहा हूँ, कनोला ऑयल में फ्राई कर रहा हूँ और वीट के भटूरे बनाए हैं, 30% की तो बात हुई थी, अब भटूरे को अगर फ्राई नहीं करूं तो भटूरे भटूरे बनेंगे कैसे? शेफ को कोई और तरीका, कोई और ट्रिक इस्तेमाल करनी ही होगी, शायद वो बेकिंग का सहारा ले सकते हैं। कोई नहीं, एक काम करते हैं, फ्राई भी करूंगा, एक बेक होने भी डाल देता हूँ। अब इसको हम लोग पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। वीट वाले भटूरे तो फ्राई करेंगे ही, अवन वाला जरा देख रहे थे, ओए भटूरे का कॉन्सेप्ट, हेलो जी, मालूम था मुझे यही होगा, इतने टाइम से मैं खाना बना रहा हूँ, मुझे आइडिया था, भटूरा पक तो गया है, अगर मैंने किसी को भी छोले भटूरे कह के खिला दिया ना तो कोई छुएगा भी नहीं इसको, तो ये तो हो गया फ्लॉप।
मैंने इंडिया की फ्राइंग वाली शान जो है ना बचा के रखी है. अब देखते हैं कि जजेस इसको पास करेंगे नहीं. मेरे को तो लग रहा है आई एम अ पास टुडे. शेफ बड़ी हिम्मत के साथ कनोला ऑयल में डीप फ्राइड व्हीट वाले भटूरे लेकर चल तो दिए, पर वापस आते वक्त उनके चेहरे पर मुस्कान होगी कि नहीं ये तो सिर्फ जजेस बता पाएंगे. हेलो जजेस. तो जजेस, ये मेरा वर्जन ऑफ छोले भटूरे है. भटूरे को मैंने 30% हेल्दियर बनाने की कोशिश करी है. Can you tell me it's baked? नहीं, ये फ्राइड बट होल व्हीट फ्लावर में बनाई. That doesn't sound very tasty, Saransh. I'm sorry, Saransh. I cannot pass this. मतलब डिस्कस भी नहीं करना चाहोगे? डिस्कस करने के लिए कुछ है ही नहीं. आटा है, डीप फ्राइड है, नॉट टेस्टिंग नाइस. डन. Can you give me 10 seconds? 10 seconds. 10 seconds. Sure. Okay. Let's okay. Okay. That. Okay. Yeah. तो एक भटूरा मैंने बेक भी किया था जो मुझे लग रहा था कि भटूरा की जैसा मतलब फ्लैट है, फूला नहीं है. पर इसको देखो और इसको देखो, भटूरा कौन सा लग रहा है? फूला तो वो है भटूरे की तरह. इट्स ब्रेकिंग लाइक अ भटूरा शुड. लेट्स गिव हिम अ लिटिल बिट फॉर हेल्प. या So I want to learn how did you make it. शेफ सारांश ने अपने बैकअप वाले बेक भटूरे खिलाकर जजेस को थोड़ा बहुत तो इम्प्रेस किया है. इसे बनाने के लिए शेफ ने एक बोल में थोड़ा सा मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, शक्कर और दही डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और मिक्सचर को क्लिंग रैप करके ओवरनाइट छोड़ दिया. फिर शेफ ने बोल में आटा, नमक, ओवरनाइट रखा हुआ मिक्सचर, रवा, दही और पानी डालकर आटा गूंथ लिया है और आधा घंटा प्रूव होने रख दिया. आटे को बेलकर शेफ ने बेकिंग ट्रे पर डालकर अवन में बेक किया है. अब ये बेक वर्जन जजेस को इम्प्रेस कर पाएगा कि नहीं, लेट्स सी. What do you think? I think it's a win. I mean, it looks possible. It looks like a bhatura. Yeah, and it's definitely and it's healthy. It's got whole wheat. It's a good attempt to bake it rather than give it fried. Look at this. Yeah. There's no oil coming yeah, off this, it. Yeah, this I think is an attempt, but it's a no-no because it's like a khakra and you don't want to eat that. But this is not as soft, but it's definitely a good attempt. But you know, it's got that sponginess that a bhatura has that soaks up the gravy from the chole. So I think it works for me. Baap re baap, baked bhaturo ne bacha liya. Main to fekne wala tha. Achha hua sambhal ke rakh liya. Oh. वाला आइडिया काम किया नहीं. होल व्हीट पूरी को डीप फ्राई किया. आई थिंक आई शुड स्टार्ट बेकिंग थिंग्स अ बिट. समझ में आया हम क्या बोल रहे थे? दिस इज अ डेफिनेट फेल.